स्टूडेंट्स वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए नाउ स्टूडेंट हमने सेवन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग वो स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीडियो में हम थ्री पॉइंट वन कर चुके हैं आज हम थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज करेंगे तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने मॉड और मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे नाउ स्टूडेंट 3.2 पॉइंट टू एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा तो ये हमें डाटा दिया हुआ है और मीडियन हमने फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट मीडियन मीन्स जो मिड वाली वैल्यू है ठीक है मिड वाली जो डाटा है टर्म है वो आंसर होगा इसका लेकिन मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि वो मीड वाली टर्म यहीं से देखना शुरू कर देते हैं कि जो ये सेंटर में जो है वही आंसर है नो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसको पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ठीक है तो सबसे पहले इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सबसे पहले छोटा देन बड़ा फिर उससे बड़ा ठीक है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से देखो वन है ठीक है कॉमा नेक्स्ट थ्री थ्री टू टाइम है तो टू टाइम ही लिखोगे इसको ठीक है ऐसे नेक्स्ट फोर देन फाइव टू टाइम्स ठीक है नेक्स्ट सिक्स अब स्टूडेंट जब भी आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपने काउंट कर लेने हैं नंबर ठीक है कि हमने पूरे लिखे हैं कई बार कोई मिस हो जाता है उसमें से ठीक है तो देखो यहाँ पे है कितने थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आंसर में भी देखोगे आपने जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है उसमें कितने लिखे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इट मीन्स हमने ठीक से नंबर्स उतार लिए ठीक है नाउ मीडियन की टर्न तो मीडियन मतलब मिड वाली टर्म तो so, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो इसको जहाँ तो काउंट करके जो सेंटर में है वो जो छोटे नंबर हैं वो तो ईजिली पता चल रहा है कि थ्री इधर और थ्री इधर ये मिड वाला फोर आ रहा है ठीक है अगर ज़्यादा नंबर हो तो आप कैसे करोगे एक फर्स्ट से छोड़ दोगे देन लास्ट से फिर सेकेंड लास्ट सेकेंड और देन सेकेंड लास्ट ठीक है ये थर्ड और ये थर्ड लास्ट तो सेंटर में बचा ये फोर ठीक है तो देआर फॉर मीडियम क्या होगा फोर आंसर क्लियर कितना इजी है ना स्टूडेंट जो मिड वाली वैल्यू ले। लेकिन स्टूडेंट जरूरी है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर करना ही करना है ठीक है अगर असेंडिंग ऑर्डर नहीं करते हो देन आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा क्लियर स्टूडेंट कितना ईजी है ना फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि कई बच्चे हैं जिनको ये अभी भी समझ नहीं आता तो वो इजीली इसको देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे नाउ नेक्स्ट सेकेंड सम है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर तो स्टूडेंट मॉड यहाँ तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर दिया ही हुआ है पहले से ठीक है मॉड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हो नंबर ठीक है तो कौन सा ऐसा नंबर है देखो ये टू थ्री टाइम है थ्री वन टाइम फोर वन टाइम फाइव टू थ्री टाइम्स सिक्स टू टाइम्स और एट वन टाइम तो यहाँ पे जो टू नंबर और फाइव नंबर है वो दोनों थ्री थ्री टाइम्स आए हुए हैं इट मीन्स जो मोड है वो यहाँ पे कौन कौन सा होगा नंबर टू कॉमा फाइव तो दो मोड़ जो हैं मोड़ जो है कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोड़ जो है वन से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं तो so, यस yes, आपके सामने ही है दो नंबर आए हैं ना ठीक है नेक्स्ट थर्ड सम है द स्कोर इन मैथेमेटिक्स टेस्ट जो है ट्वेंटी फाइव में से फिफ्टीन स्टूडेंट्स के यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है फाइंड करो मीन मोड एंड मीडियन देन आर दे सेम ये तीनों फाइंड आउट करो और देन बताओ कि क्या वो सेम आते हैं तो स्टूडेंट ये जो सम है इसका लास्ट में जो एक्स आंसर दिए होते हैं ना वहाँ ये मोड और मीडियन का ही आंसर है ठीक है तो मोड मीडियन इसमें सेम आने वाले हैं तो इसलिए वहाँ ये जो आर दे सेम है वो यस लिखा होगा लेकिन हमने मीन भी यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है तो वो फाइंड आउट करेंगे तो मीन का फार्मूला सब लास्ट एक्सरसाइज में आपने सीखा है सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ़ डाटा तो वही लगाएंगे तो इस तरह से पहले फार्मूला लिख लोगे सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा सम ऑफ डाटा मीन जो भी आपको डाटा दिया हुआ है उनको ऐड कर दो तो, ठीक है तो यहाँ पे ऐड करके लिख दोगे इनटीन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी ठीक है सभी नंबर्स के बीच में प्लस का साइन डाल दोगे इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो है वो मिस नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं तो आंसर आपका रोंग आएगा ट्वेंटी ठीक है आप काउंट कर सकते हो कि आपने सही नंबर लिख लिए हैं पूरे नंबर लिखे हैं कैसे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो यहाँ भी देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ठीक है एक तो ये कि सभी नंबर्स हो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सम में दिया हुआ है नंबर वही आपने उतारा हो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मिस्टेक से वो गलती नंबर उतार लेते हैं गलती से ठीक है तो आपने केयरफुली उसे उतारना है देन कितने हैं फिफ्टीन है ना अभी काउंट किए तो नीचे नंबर ऑफ डाटा कितना है फिफ्टीन फिफ्टीन से क्या कर दोगे डिवाइड अब सभी को रफ में ऐड करो ऐड ध्यान से करना है कोई मिस्टेक ना हो ठीक है तो आपके पास ऐड करने पे रफ में आंसर आएगा 263 ठीक है अब 263 को 15 से क्या करना है हमने डिवाइड तो डिवाइड करने पे 17.5 आ गया फर्स्ट आंसर हमारा मीन क्लियर तो नेक्स्ट हमने मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मीडियन के लिए सेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे ठीक है सबसे छोटा नंबर देन उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ठीक है सेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे इसको नाउ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आ गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले मोड़ जो है मोड़ मीन सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर है तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है आपको पता चल रहा है सामने ये ट्वेंटी जो है फोर टाइम्स आया हुआ है बाकी सभी कोई वन टाइम है कोई टू टाइम ठीक है तो ट्वेंटी होगा इसका मोड़ नेक्स्ट मीडियन मीडियन जो मिड में टर्म है तो एक यहाँ से और एक यहाँ से फिर सेकेंड लास्ट ये सेकेंड और सेकेंड लास्ट देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ठीक है ऐसे आपके पास ये ट्वेंटी ही सेंटर में बचेगा ठीक है फिफ्टीन नंबर है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर इधर और सेवन इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बीच में कौन सा बचेगा ट्वेंटी नंबर ठीक है तो ट्वेंटी ही हमारा क्या होगा मीडियम ठीक है ना उसने इसके लास्ट में पूछा था आर दे सेम तो अगर तो आप ये मीन वाला भी साथ में लिखते हो तो फिर तो नो no आंसर आएगा कि तीनों सेम नहीं है तो अगर अकेला उसने मॉड और मीडियन पूछा है तो यस दे आर सेम ठीक है अगर उसने तीनों कहे हैं तो फिर नो no आंसर आएगा मीड एंड मीन एंड मीडियम जो मीडियन एंड मॉड है वो सेम है तो ऐसे आप लिख दो यस yes, मोड एंड मीडियन आर सेम क्लियर कितना इजी है ना स्टूडेंट लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा अच्छे से नाउ नेक्स्ट फोर्थ सम देखो स्टूडेंट यहाँ पे वेट दिया हुआ है फिफ्टीन स्टूडेंट का और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉड एंड मीडियन ठीक है तो मॉड मीन सबसे ज्यादा टाइम जो आया हुआ है मीडियन जो मिड में आएगा पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लोगे ठीक है देन सेकेंड पार्ट में बताना है इज देयर मोर देन वन मोड वन से ज़्यादा मोड आते हैं उसका आंसर दोगे ठीक है तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर लिख लोगे सबसे छोटा देन उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट तक ठीक है तो यहाँ पे मोड जो सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ है तो देखो कौन सा नंबर है ये थर्टी एट और फोर्टी थ्री दोनों थ्री थ्री टाइम्स आए हुए हैं तो मोड क्या हुआ थर्टी एट केची और फोर्टी थ्री के जी ठीक है थर्टी एट एंड फोर्टी थ्री नेक्स्ट मीडियन मीडियन जो मिड में है मिड में कौन सा नंबर आएगा देखो टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो फिफ्टीन आई मीन सेवन सेवन दोनों साइड से छोड़ोगे तो बीच वाला नंबर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कौन सा नंबर है ये वाला ठीक है इधर से भी सेवन छोड़ दोगे ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो बीच में कौन सा आया फोर्टी ठीक है अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो कोई पेंसिल लेके ठीक है ये काम आप फिर पेंसिल से करोगे कि एक साइड से एक नंबर छोड़ के ठीक है लास्ट से एक ये फर्स्ट लास्ट देन सेकेंड इधर से फिर थर्ड लास्ट से भी थर्ड फोर्थ देन लास्ट से भी फोर्थ तो बीच में ऐसे एक फोर्टी बचेगा ठीक है तो मीडियन हुआ आपका फोर्टी उसने सेकेंड पार्ट में पूछा था इज देयर मोर देन वन मोड़ तो यस यहाँ पे दो आए हैं मोड़ यानी कि वन से ज्यादा है तो यस आंसर होगा इसका क्लियर नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो फाइंड मोड एंड मीडियन तो मोड़ मीडियन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लोगे ठीक है ना हो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे मोड कौन सा है जो ज़्यादा टाइम आया हुआ है फोर्टीन फर्स्ट फोर्टीन आंसर होगा धैन मीडियम जो मिड में है तो वन ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ तो बीच में कौन सा बच्चा फोर्टीन ठीक है तो ये भी दोनों क्या हैं सेम दोनों जो हैं मॉड भी फोर्टीन और मीडियम भी फोर्टीन क्लियर नेक्स्ट सिक्स नंबर सम जो है उसको भी ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे ठीक है ये सिक्स नंबर सम ठीक है ये सभी नंबर जो हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ऐसे नाउ स्टूडेंट यहाँ पे मोड उसने बोला है कि बताओ मोड कौन सा है तो कौन सा ऐसा नंबर है टाइम आया हुआ है ठीक है तो कौन सा है वो नंबर फिफ्टीन ठीक है यहाँ से आप काउंट कर सकते हो ट्वेल्व थर्टीन थ्री टाइम है थर्टीन फोर टाइम फोर्टीन और नेक्स्ट फिफ्टीन जो है वो होगा इसका मोड आंसर क्लियर नाउ स्टूडेंट कितनी इजी एक्सरसाइज थी मीन और मीडियम मे, और मॉड वाली ठीक है आपको इजीली आ भी गई है फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक तो ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें थैंक यू